Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. Budget जो इस बार पेश किया है वित्त मंत्री ने, मुझे लगता है कि जितनी चुनौतियां इस देश के सामने थीं, उन सभी को छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर बांट करके और एक नए तरीके से उन्होंने इसकी प्लानिंग की है और कोशिश की है कि हर क्षेत्र को कुछ ना कुछ जरूर दिया जाए। अगर कृषि क्षेत्र में देखता हूँ तो उसको उन्होंने भरपूर देने की कोशिश की है, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी इकोनॉमी को एक साथ चला सकता है। तो कृषि क्षेत्र को इन्होंने देखा है, चिकित्सा क्षेत्र को देखा है, मेरा जो क्षेत्र है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स के अंदर भी सरलीकरण की तरफ आगे बढ़े हैं। जिन लोगों को टैक्स की छूट चाहिए थी उनके लिए टैक्स की छूट भी दी है, पर साथ में ये भी ध्यान रखा है कि ये टैक्स की छूट इस तरह से मिले कि कहीं सरकार का जो वित्तीय नुकसान वो बहुत ज़्यादा ना हो। इसके अंदर जो विवाद को दूर करने के लिए स्कीम लाए हैं वो स्वागत योग्य है, और जो डिविडेंड्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को ख़त्म करके बहुत अच्छा काम सरकार ने किया, ताकि जो छोटे टैक्स पेयर हैं उन्हें इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। भारत भूषण बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, बजट पर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जरूर बढ़त की बात करी है। जो भी कोई नई कंपनीज़ अगर इनकॉर्पोरेट होती हैं, अगर वो मार्च 2023 तक प्रोडक्शन अगर स्टार्ट कर देती हैं तो उनकी टैक्स रेट 15% हो जाएगी। बाकी इंडिविजुअल्स के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, HUFs के लिए, प्रोफेटरशिप्स के लिए कोई अलग से कोई टैक्स रिबेट्स की बात नहीं करी है। टैक्स स्लैब में जरूर थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन वो तब मिलेंगे आपको रिड्यूस स्लैब अगर आप कोई डिडक्शंस क्लेम ना करें। इसका अर्थ ये हो गया कि 80C का जो बेनिफिट लोग लेते थे वो अब शायद ना ले पाएँ। ये एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी भी हो सकती है, PPF के थ्रू जो फंड्स आया करते थे वो तकलीफ हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनीज़ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। शेयर मार्केट ने इस बजट को अच्छे से नहीं लिया है, शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा है। इस बार बजट में टैक्स में एक शेप चेंज हुई है, राजकीय की शेप में मामूली डिफरेंस हुआ है। हर टैक्स पेयर को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो भी होगा उसको 20-21 हज़ार रुपये टैक्स का फ़ायदा होगा, और गाँव में जो दूध वाले हैं, किसान हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है इस बार, क्योंकि कृषि पे उन्होंने विशेष ज्ञान दिया। आंगनबाड़ी सेक्टरों को अलग से प्रोफाइल दिया इनको। सुरेंद्र सोमानी, चारके का कंटेंट। नमस्ते, मैं सीए दिव्या सोमानी, अजमेर से। बजट हम लोग के लिए कुछ बहुत अच्छा लग नहीं रहा। बेसिकली प्रोफेशनल्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि टैक्स लैब्स में चेंज हो गया है। चेंज है लेकिन वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर हम नए टैक्स लैब्स पे जाते हैं तो हम जो भी अभी तक डिडक्शंस ले रहे थे 80C वाले या जो भी और इंश्योरेंस में आपने करवाया या NPS स्कीम के तहत आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, अब ये सब नहीं मिलेगा। तो प्रोफेशनल्स को डबल कैलकुलेशन करके हर क्लाइंट को बतानी पड़ेगी कि नॉर्मल कोर्स में हम जाते हैं तो आपका टैक्स इतना बनेगा और अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो ये बनेगा। तो अब तो डबल प्रेशर हो गया मतलब प्रोफेशनल्स के ऊपर। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोई बहुत अच्छी स्कीम्स लेकर ही नहीं आए हैं। महिलाओं को तो प्रोत्साहित करने के लिए कुछ है ही नहीं। गोल्ड की रेट जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, सब महिलाएं मेरे ख्याल से बजट पे ज़्यादातर यही ध्यान देती हैं कि गोल्ड की कीमतें कम हो जाए, पर वो तो कुछ हुआ ही नहीं। घर गृहस्थी की चीज़ों में कुछ हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि कम हुआ है। GST की रेट्स पे कुछ चेंज ही नहीं किया। अगर चेंज ही नहीं किया है GST में तो फिर आपकी जो भी चीज़ें आप खरीदते थे मार्केट से वो सब उसी रेट्स पे आ रही हैं, और महंगाई तो और धीरे धीरे बढ़ेगी ही। तो कहीं से भी हमें ये नहीं लग रहा है कि महिलाओं के हित में ये बजट है, बिल्कुल भी नहीं। इवन यूथ के लिए भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि जॉब्स देंगे सिर्फ बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। आपने कोई पॉलिसी दिखाई नहीं उसके लिए। यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लेकर आएंगे, हमने इतना बजट अलोकेट कर दिया, लेकिन उसके लिए सोर्स क्या है और क्या करेंगे आप उसमें? स्किल डेवलपमेंट में आखिर क्या प्लान है वो पता ही नहीं है हमें। एजुकेशन पॉलिसी आएगी नहीं,
क्या एजुकेशन पॉलिसी आएगी कुछ नहीं पता, तो सब कुछ कंफ्यूजन में है, डिलेमा में है। तो सिर्फ लोगों को एक बार अट्रैक्ट करने के लिए कि हम कुछ नया बजट लेकर आए हैं बोल के इन्होंने बजट पेश कर दिया। बहुत लंबा बजट दिया है लेकिन बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। तो शेयर मार्केट आपने देख ही लिया बिल्कुल टूट गया है इस तरह के बजट से, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर हम इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो ये इतना ऐसी पॉलिसी से थोड़ी ना बनेगा, हमें कुछ स्ट्रिक्ट मेजर लेने पड़ेंगे जिससे कि इमिडिएट हमारी इकोनॉमी में बूस्ट आए। सीए सुभाष पुरवाल अजमेर से। आज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो बजट पेश किया है उसमें कुछ ऐसा कुछ भी नया नहीं है आम जनता के लिए। जो पुरानी चीज़ें सरकार ने ऑलरेडी कही हुई हैं उन्हीं चीज़ों को वापस एक नए डब्बे में पैक करके वापस पेश किया गया। इसके अंदर जो नॉर्मल लोगों को और जो अपने अजमेर के शहरवासियों को जो सबसे चीज़ें प्रभावित करेंगी उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सनल टैक्सेशन में रेट चेंज, जिसकी वजह से मोटा मोटा 50,000 से लाख रुपए तक लोगों को व्यापारियों को टैक्स में बचत होगी। दूसरी चीज़ जो मुझे इस बजट से उत्साही दिखती है वो है सरकार ने विवाद ख़त्म करने की, जो इनकम टैक्स के अंदर पुराने विवाद चल रहे थे उनको ख़त्म करने की इच्छा वे स्कीम लॉन्च कर दी है। इसके अंदर लोगों को जो सरकार चाहती है कि जो भी किसी तरह के विवाद हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड सरकार के साथ उसका टैक्स लोग जमा करा दें। पेनल्टी वे ब्याज जो कि कभी कभी कुछ केसों में टैक्स से भी ज़्यादा हो जाते हैं उनसे सरकार ने माफ़ी देने की इच्छा बताई है, बट उसमें भी वो सब चीज़ें 31 मार्च 2020 तक टैक्स लोगों को जमा कराना पड़ेगा। इनकी और गाइडलाइंस अभी सरकार ने अब थोड़े आने वाले समय में सरकार पेश करेगी। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बजट में लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना, नए उद्यम सेट करना, और जो अभी उद्यम चल रहे हैं उनको जो ब्याज से ना स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिलने की वजह से और जो माल ना बेच पाने की वजह से और जो कॉम्पिटिशन मिल रहा है उसके लिए सरकार ने कोई नई चीज़ नहीं बजट में बताई है। मेरे हिसाब से बजट कोई बहुत खास नहीं बट नॉर्मल से भी नीचे की रेटिंग में बजट को देते हैं। सर बजट मेरे हिसाब से कम्प्लीट ही कन्फ्यूजिंग बजट रहा है इस बार का, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें कोई नीति निर्धारण को सही स्पष्ट नहीं कर पाई है, जिसमें रोजगार के संबंध में कोई स्पष्ट नीति निर्धारण नहीं दिया है। निश्चित रूप से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने एक निर्विक योजना की घोषणा की है जिसमें ये नए लोन्स प्रोवाइड कराएंगे, पर आयात के को घटाने के लिए इन्होंने टैक्स लेब उसमें बढ़ाया है। साथ ही इन्होंने जो टैक्स लेब में चेंजेस किए हैं वो उसमें 80C और 80D वगैरह जो भी एग्जेम्पशन SSC को मिलती थी उन सबको हटा दिया है, इससे इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।